कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं थोड़ा जीरा डालूँगी और उसको चटकने के बाद उसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट इसको डाल दूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें वही बेसिक मसाले डालने हैं। उनको अच्छे से भून लेने के बाद, जब मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है पत्ता गोभी जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ रखा था। तो मैं सब्ज़ी ज़्यादातर रात को ही काट के रख देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो सुबह इतना मुझे टाइम नहीं होता कि मैं सब्ज़ी काटूँ फिर बनाऊँ। तो जो सब्ज़ी काटने लायक होती है वो मैं रात को ही काट कर रख देती हूँ। और आलू मैंने सुबह ही काटे थे तो ये सब्ज़ी मैंने चॉप के लगा दिया है इसमें। अब इधर मैं आटा लगा लूँगी, उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है और अभी घर में सब सोए हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे होंगे अभी, और मुझे जल्दी जल्दी 7 बजे तक सारा काम कर लेना है। आटा भी मेरा लग चुका है और उधर सब्जी भी बन रही है, तब तक मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी। तो मॉर्निंग में मेरी मोस्टली तीनों ही गैसें चलती हैं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक सब्जी एक गैस खाली होने का वेट करूं। तो 4 चूल्हे का मेरा गैस है ये, तो इसमें 3 तो मुझे ऑन करने ही पड़ते हैं। तो एक तरफ सब्जी बनती रहेगी, एक तरफ मैं अपने रोटी पराठा सेकती रहूँगी। सुबह के टाइम में उतना ही बनाती हूँ जितना कि लंच भी ले जाना होता है और सुबह का नाश्ता करना होता है। बाकी का खाना मेरे दोपहर में आने के बाद ही बनता है क्योंकि दोपहर के टाइम में वो भी लंच करने आते हैं और बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। नाश्ता तैयार हो जाने के बाद मैंने गैस को और स्लिप को अच्छे से साफ़ करके और जो बर्तन ख़राब हुए थे, मतलब खाना बनाने में यूज़ किए थे, वो सारे धो के साफ़ करके रख दूँगी। बाद में फिर से आ गई हूँ किचन में। तो दूध मेरा बाद में आता है, तो गली में देने आता है दूध वाला, तो दूध गर्म करने रख दूँगी एक तरफ और उधर मेरी फिर पूजा भी करनी है मॉर्निंग की। और मैं अब तैयार हो रही हूँ स्कूल के लिए क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। तो मैंने आज पहनी है साड़ी क्योंकि आज है एक स्पेशल डे हमारे स्कूल में, आज है फाउंडर डे सेलिब्रेशन। सभी टीचर्स रेडी होकर आएंगे तो मैं ज़्यादा तैयार तो होती नहीं हूँ, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, तो मैं सिर्फ साड़ी पहनी है, बाकी तो सेम है सब कुछ। और एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए। तो आज हमारे स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन, आज फाउंडर डे सेलिब्रेट होगा स्कूल में, तो बाहर से भी कुछ गेस्ट भी आएंगे और स्कूल को थोड़ा सा डेकोरेट भी किया गया है। तो आप साथ चलना हमारे, देखना कि किस तरह से क्या होता है स्कूल में, तो चलते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं स्कूल में पहुंच चुकी हूं और स्कूल में हमारे तैयारियां हो रही हैं डेकोरेशन की। और ऐसा कुछ ओकेजन होता है कुछ भी तो हमारे स्कूल के सभी टीचर सभी पूरा स्टाफ फुल जोरों शोरों से तैयारियों में लग जाता है। हम कुल मिलाकर कहें तो हमारे स्कूल का स्टाफ बहुत ही मेहनती है। ये हमारे साथ के ही टीचर हैं, ये हैं रीमू मैडम जो फ़ोटोज़ लगा रही हैं और साथ में उनके खड़े हुए हैं मोहित सर और मुकेश सर और ये ममता मैडम। सभी ने मास्क लगाया हुआ है और किसी का भी फेस पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आंखें चमक रही हैं। तो देखिए सब कैसे काम कर रहे हैं। का काम हो जाने के बाद हमारे साथी टीचर एक क्लासरूम में आकर बैठे हुए हैं, तो हम सब आपस में बातें कर रहे हैं और खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि आज है हमारे स्कूल में भंडारा, तो उसी के लिए हम लंच वंच तो लेके आए नहीं थे तो हमें स्कूल में ही खाना है। लेकिन 11 बज चुके थे और अभी तक खाने का कुछ पता नहीं था कितना टाइम लगेगा और सभी को भूख लगी हुई थी। तो एक मैडम थोड़ा सा, ये प्रियंका मैडम हमारी चने लेकर आई थी नाश्ते के लिए, तो वही थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे हैं खा रहे हैं और मैं साथ में उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। अरे स्कूल का स्टाफ तो काफ़ी सारा है लेकिन सभी अलग अलग ग्रुप बना। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये है हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, स्कूल के स्टाफ है तो स्टाफ बहुत सारा लेकिन काफ़ी बाहर है, कुछ अंदर है, लेकिन जो हमारे साथ बैठे हुए भी यही है।
बताओ स्कूल में क्या होने वाला है आज? आज हमारे स्कूल में फाउंडर डे सेलिब्रेट हो रहा है, मीन्स जिस व्यक्ति ने इस स्कूल की स्थापना की थी आज उनका पुण्यतिथि है, जो कि फाउंडर डे के रूप में सेलिब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑल टीचर्स आर गेट टुगेदर यहाँ पे हुए हैं। हाय तो कर दो सब। हेलो। में काफ़ी सारा स्टाफ है, लेकिन अभी जो मेरे साथ में है उनके मैं नाम बता देती हूँ आपको। ये है हमारी रागनी मैडम, और जो साड़ी में है ये है हमारी बबीता मैडम, और ये है ज्योति मैडम वाइट सूट में, ये है प्रियंका मैडम ग्रीन सूट में, और पीछे खड़ी हैं ये है पूजा मैडम जो ज्योति मैडम की ही सिस्टर हैं, और ये हैं विनू मैडम। ये हैं हमारी दीपा मैडम जो हमारे स्कूल की ही टीचर हैं, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अब ये जाने वाली हैं, कुछ दिन की मेहमान है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अब ले लिया है वीएड में एडमिशन, तो ये अब यहाँ से चली जाएंगी कुछ दिनों बाद। तो इनके जाने के बाद हम सभी इनको बहुत ही मिस करने वाले हैं। ये हमारे फाउंडर सर की मूर्ति, जहाँ पर फूल अर्पित किए जा रहे हैं, सभी इनको फूल अर्पित कर रहे हैं। पहले पंडित जी आए थे, वो पूजन करके चले गए हैं, और उसके बाद ये स्कूल का बाकी का स्टाफ है। ये है हमारी इंचार्ज मैम ब्लू सूट में, येलो सूट में हमारी रंजू मैडम, और ये हैं दुबे मैडम, इनको ड्रेस वाली मैडम, फीस वाली मैडम और इंचार्ज मैम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये करेंगी उनका पूजन, मतलब फूल अर्पित करेंगी, उसके बाद बाकी का स्टाफ आएगा। इधर फूल अर्पित करने के बाद सभी ने एक एक करके अपने फ़ोटो लिए, किसी ने किसी के साथ, तो जैसे इन सबका मन था वैसे अपने अपने तरीके से सेल्फी ली, फ़ोटोज़ लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 12:30 करीब बज रहे थे, और सभी को भूख लगी हुई थी, तो सभी टीचर्स यहाँ पर आके खाना खा रहे हैं। तो देखिए भी चेंज कर ली है, साड़ी पहन कर गई थी तो घर आके मैंने सूट पहन लिया है, जिसमें कि मैं कंफर्टेबल रहूं। तो वैसे तो मैं सारा काम घर का करके ही जाती हूं मॉर्निंग में, लेकिन मैंने वहां से आके कुछ कपड़े थे वो धोए हैं मैंने आके, और कपड़े धो के मैंने डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर में आराम करूँगी, खाना वाना तो मैं बना के गई थी, जो बच्चों खा चुके हैं, और हम तो स्कूल में ही खा कर आए थे। तो आज स्कूल में छोटा सा फंक्शन था, फाउंडर डे सेलिब्रेशन हुआ था आज, तो सर ने भंडारा करवाया था, तो वही हम सब टीचर्स खा के आए थे। तो अब तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है काम, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद 3 बजे आएंगे मेरे बच्चे ट्यूशन के, तो बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो को बच्चे पढ़ाने के बाद हम खा रहे हैं नाश्ते में, मतलब शाम के नाश्ते में गोलगप्पे, जो कि बच्चे लेकर आए थे, तो वही मैं बच्चों के साथ खा रही हूँ। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और इन्होंने मुझे अभी बताया है कि शाम को दीदी और जीजाजी आने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना मेरा लगभग बन चुका है, और ये इधर मेरी सब्जी बन चुकी है, और उधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, बस मुझे पूड़ियाँ निकालनी है, और रायता बन चुका है, क्योंकि वो होली का खोटा त्यौहार उठाने के लिए आ रहे हैं, तो बूरा पहले उनको बूरा खिलाएंगे, दही बूरा, उसके बाद उन्हें खाना खिलाएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अभी हो रहा है शाम का टाइम, और स्कूल में था हमारा फंक्शन, फाउंडर डे सेलिब्रेट हुआ था, तो उसके बाद मैं घर पर आकर मैंने बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, फिर थोड़ी देर आराम किया, अब शाम को मैं करने जा रही हूँ, खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी आने वाले हमारे दीदी और जीजाजी आ रहे हैं, वो खोटा त्यौहार उठाने के लिए, तो उन्हीं के लिए खाने की तैयारी हो रही है, तो सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस मैं किचन में जा रही हूँ, जल्दी पूड़ी निकालती हूँ।
दीदी और जिया जी आ चुके हैं तो उनके लिए ये दही बूरा लेकर जा रहे हैं। तो पहले उनको दही बूरा खिलाएंगे, उसके बाद उन्हें खाना खिलाएंगे, क्योंकि मेन दही बूरा खिलाना ही होता है इसमें। और खाना वाना खिलाने के बाद जिया जी को गुलाल लगाया है, उनको विदा किया है दक्षिणा देकर। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।